भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। टीकमगढ़ में कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर के अस्पताल चौराहे पर भाजपा सरकार के घोटाले के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि भाजपा सरकार द्वारा कई घोटाले और भ्रष्टाचार किए गए हैं, जिसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। महाकाल लोक न्यास में हुआ घोटाला, सतपुड़ा में आगजनी की घटना एवं तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला, जिला अध्यक्ष नवीन साहू, कांग्रेस प्रदेश महासचिव श्रीमती किरण अहिरवार मौजूद रहे। मिस्टर सिंह जुदेव जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भंजन यादव जी, लोग कांग्रेस साहब लगातार हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे बिजली की बात हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे बीमारी की बात हो। आपने देखा होगा लगातार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं है। ये जनता की लड़ाई है, सरकार में आने की लड़ाई नहीं है, सिर्फ जनता की लड़ाई है। जिस तरीके जनता को परेशान किया जा रहा है, और आप देखेंगे लगातार जहाँ जहाँ ऐसे मुद्दे आएंगे, जहाँ किसानों की समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी, महिलाओं की समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी, कांग्रेस पार्टी आगे रहेगी और उनके हकों को दिलाएगी।